हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो थोड़े दिन पहले आप ही लोगों में से किसी की क्वेरी आई थी कि हम कैसे मॉकअप्स बना सकते हैं कैनवा के थ्रू। तो आज हम देखेंगे कैसे आप जो है मॉकअप बना सकते हैं कैनवा की हेल्प से। उससे पहले हम जानते हैं क्यों मॉकअप जरूरी होता है, मॉकअप से क्या होता है। तो देखो, मॉकअप दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझे आप बताइए कि ये मेरा जो लोगो है ये कॉफी के कप के ऊपर कैसा दिखेगा, टी शर्ट के ऊपर कैसा दिखेगा, मुझे मॉकअप चाहिए। एक तो क्लाइंट ने आपसे बोल दिया है तो आपको उसे मॉकअप प्रोवाइड करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग ये भी हो सकती है कि आप जो है खुद भी मॉकअप्स लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी ने आपको लोगो प्रोवाइड करने के लिए बोला है कि आप मेरे लिए लोगो बना दीजिए, तो अगर आप उस क्लाइंट को जो है मॉकअप्स भी प्रोवाइड कर देंगे साथ में तो उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि यार इसने मेरे को एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड किया है, तो नेक्स्ट टाइम कोई भी वर्क होगा तो आपको ही देगा सबसे पहले। तो इसलिए भी मॉकअप्स जरूरी है। तो आप जो लोगों को फ्री में मॉकअप्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आपकी सर्विसेज देने के लिए, कि आप जो है लोगों को जो है फ्री मॉकअप्स भी प्रोवाइड करते हैं तो उसको जो है आपकी सर्विसेज बहुत ही बढ़िया लगती है और नेक्स्ट टाइम जो भी वर्क होता है आपको ही प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मॉकअप्स जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप मॉकअप्स बना सकते हैं। बहुत ही इजी है मॉकअप बनाना, उसमें कैनवा मॉकअप बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही इजी हम आप बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको कैनवा पर आ जाना है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूं कि आपको जो है फ्री अकाउंट में कैसे चलेगा और प्रीमियम अकाउंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं तो प्रीमियम अकाउंट में आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको आ जाना है। तो सपोज हम सर्च करते हैं, हम लोगो बना रहे हैं, एक हमने यहाँ पर लिखा लोगो। अब मैं आपको लोगो बनाना नहीं बताऊंगा पूरी तरीके से आप इसे फिर से, क्योंकि मैं आपको लोगो बनाना बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। अगर आपको लोगो बनाना सीखना है कैनवा के अंदर तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, ये वाली हाउ टू क्रिएट ए लोगो इन कैनवा, आप इस वाली वीडियो को देख लीजिए। तो हमने जो उस वीडियो के अंदर लोगो बनाए थे उन्हीं को हम मॉकअप पर डालेंगे आज। तो मैं सबसे पहले उन जो लोगो को जो अपलोड कर लेता हूँ। तो ये तीन लोगो हमने बनाए थे उस दिन, मैं इनको अपलोड कर लेता हूँ कैनवा के अंदर फिर से। तो हमारे तीनों लोगो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसमें से मैं भी एक लोगो चूज़ कर लेता हूँ, मैं चूज़ कर लेता हूँ ये वाला दुबई ट्रेवल वाला। हमको क्या करना है, इस लोगो को एक टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको जाना है एडिट इमेज पर। इस पर आने के बाद आपको दिख रहा है स्मार्ट मॉकअप्स, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। स्मार्ट मॉकअप पर क्लिक करने के बाद हमको देखना है कि टी शर्ट के ऊपर हमारा लोगो कैसा दिख रहा है। तो हमको क्लिक करना है टी शर्ट के ऊपर और आपको क्लिक करना है सेकेंड टी शर्ट पर। तो ये देखिए आपका लोगो कैसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है इसके ऊपर। अगर आपको इसमें जो है इसको कस्टमाइज़ करना है, लोगो आपको बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है आपको सेट करना है लोगो, तो आप जो है पहले इमेज पर क्लिक ना करें, डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे इन तीन ऑप्शंस के ऊपर नीचे टी शर्ट के ऊपर इस पर क्लिक करेंगे। आपको जाना है कस्टम पर और कस्टम पर जाकर आपके लोगो को सेट करना है। आप इसकी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से टी शर्ट के ऊपर दिखाने के लिए। आपकी जो पोजीशन को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि आपको वर्टिकल ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना नीचे ले जाना है आपके लोगो को, तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं इसको इस तरीके से। और इसको जो हॉरिजॉन्टली भी आप जो है यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं यहाँ से। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, तो आप यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका लोगो कहाँ पर कैसा दिख रहा है, साइज़ वगैरह को इस तरीके से इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप। तो अभी मुझे इस लोगो को जो है सेंटर पर लगाना है बड़ा कर, तो मैं इसको थोड़ा साइज़ बड़ा करूँगा इसकी और इसको हम बीच में लाएंगे सेंटर में इस तरीके से। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस टी शर्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। टी शर्ट का कलर चेंज करने के लिए आप जाएंगे नीचे कलर के ऊपर और किसी भी कलर पर क्लिक कर दीजिए आप, तो उस कलर की टी शर्ट हो जाएगी आपकी, ये देखिए। तो अभी के लिए मैं इसको वाइट रखूँगा क्योंकि वाइट के ऊपर ज़्यादा बेहतर लग रही है। फिर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब आप जो है इसको बड़ा छोटा करके देख सकते हैं टी शर्ट को कैसा दिख रहा है आपका इसके ऊपर मॉकअप्स। तो इस तरीके से आप मॉकअप्स बना सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक टी शर्ट का बताया है, अब मैं आपको जो है कुछ दूसरे मॉकअप्स बनाकर दिखाता हूँ। तो ये तो आपका टी शर्ट का बन गया है, हम देखते हैं कि ये कप के ऊपर कैसा दिखेगा। तो इसके ऊपर आपको फिर से आपको किसी एक लोगो को क्लिक करना है। इस बार हम लेते हैं इस लाइफ गाइड वाले को और हम एक कप को सिलेक्ट करते हैं। तो हम जाएंगे स्मार्ट मॉकअप्स पर क्लिक करेंगे और इस बार हम चलेंगे कप के ऊपर। तो हम देखते हैं कप कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है मग, इस मग पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मग के ऊपर आपका आ गया है, लेकिन ये आपको कुछ सही से नहीं दिख रहा है, तो हम इसको छोटा बड़ा करेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छे से दिख सके। कस्टम पर आएंगे हम और इसकी साइज़ को हम छोटा करेंगे थोड़ा इसको, अब थोड़ा सही लग रहा है सेंटर में आने के बाद। और अभी पिक्सल सही से दिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये पिक्सलेट होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है इस पर करना, तो हम अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखिए, अब आपको सही लगेगा ये। अभी यहाँ पर पिक्सलेट दिख रहा है आपको, लोड अभी भी ढंग से नहीं हुआ है ये, तो ये आपको पिक्सलेट दिख रहा है लेकिन ये पिक्सलेट नहीं है, ये अच्छा हो जाएगा धीरे धीरे। फिर आपको डाउनलोड करेंगे आपको सही साथ दिखेगा ये। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ अब आपको, ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है मॉकअप्स बना सकते हैं। ये हमने टी शर्ट बनाया, ये बनाया, हम इसको डाउनलोड करेंगे, आपको जाना है और सिंपल इनको डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड्स भी कर सकते हैं दोनों को। तो इस तरीके से आपको मॉकअप बनाना है। तो अभी मैंने जो बताया आपको ये सब कैनवा के प्रीमियम अकाउंट पर बताया मैंने, इसलिए आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं है ये बनाने में। अब फ्री अकाउंट पर आप कैसे बनाएंगे ये हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं फ्री अकाउंट पर। तो ये कैनवा का फ्री अकाउंट, इसमें आप जाएंगे स्मार्ट मॉकअप्स के ऊपर।
तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मॉकअप्स हैं वो जो है पेड है, इनके ऊपर क्राउन बना हुआ है। तो आप जो है पेड चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाली चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इस फ्री वाली बोतल को चूज़ कर लेते हैं, और यहाँ भी ऊपर ऑप्शन है आपको क्या क्या बनाना है। जैसे आपको पैकेजिंग के ऊपर देखना है, पैकेजिंग के ऊपर कैसा दिख रहा है, तो आप पैकेजिंग के ऊपर भी इनको चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं चलता हूँ कॉस्मेटिक्स के ऊपर। जैसे कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है तो हम चलेंगे कॉस्मेटिक के ऊपर, और ये चीज़ें फ्री है इसके अंदर। तो जो 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 चीज़ें इसके ऊपर फ्री है आप उन चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, और जो चीज़ें इसमें पेड है उनको आप इसमें कर नहीं सकते फ्री अकाउंट के ऊपर। तो उसके लिए आपको पेड अकाउंट चाहिएगा। तो फ्री अकाउंट में भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि फ्री अकाउंट में कुछ टी शर्ट भी अवेलेबल है। ये टी शर्ट फ्री है फ्री अकाउंट के अंदर। ये जो बोतल है ये फ्री है, तो मैं इस पर आपको बनाकर दिखाता हूँ एक बार। इस बोतल को मैंने क्लिक कर दिया है, अब हम करेंगे सिलेक्ट, और आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है अपनी चीज़ों को। इसके लिए आपको जाना है अपलोड पर, और मैंने फिर से इन तीन लोगों को यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो मैं इस बार लोगों को क्लिक करता हूँ और हम करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पर ये लोगो आ गया है। अब आप इस लोगों को एडजस्ट करने के लिए इसकी साइज़ को, क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है बोतल के ऊपर, आप जाएंगे एडजस्ट इमेज पर, और यहाँ से आप कस्टम पर चूज़ कर सकते हैं। और अगर यहाँ से काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको पकड़ कर इस तरीके से और छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको दिख रहा है ना ये बॉक्स जो ब्लैक वाला बॉक्स अंदर दिख रहा है आपको, ग्रे कलर का बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर ये लोगो है आपका। आप इसकी साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बोतल नहीं दिखेगी एग्जैक्ट, वहाँ पर आप बोतल देख सकते थे कि आपको कितना छोटा बड़ा करना है। इस टाइप से आप देख सकते हैं मॉकअप्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आप मॉकअप देख नहीं पाएंगे। ये थोड़ा ड्रॉ बैक्स है इसके अंदर, और आपको बहुत कम ऑप्शन देखने को मिलेंगे फ्री के अंदर। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आप बना तो सकते हैं अभी फ्री अकाउंट के ऊपर, लेकिन बाद में जाकर आप पेड अकाउंट को ले लीजिएगा जब आप काम करना शुरू कर दें। क्योंकि पेड अकाउंट जो होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड के अंदर ही काम कर रहे हैं और आपको यही काम करना है, तो आपको तो पेड अकाउंट लेना ही पड़ेगा बाद में आगे जाकर। तो चलिए अभी हम फ्री अकाउंट पर देखते हैं क्या होगा। तो हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और इस तरीके से आप इसको छोटा कर लेंगे, सेंटर पर ले आएंगे और इसको सेव कर देंगे। तो ये देखिए आपका लोगो छोटा हो गया है। तो इस तरीके से आप लोगो छोटा बड़ा कर सकते हैं इसके अंदर। आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि आप इसका कलर चेंज कर दें, ये सब इसके अंदर चेंज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा आप इसके अंदर, लेकिन आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, जो ऑप्शन इसमें अवेलेबल होते हैं फ्री में वो। तो इस तरीके से आप मॉकअप बना सकते हैं। तो मेरा कहना तो यही है कि आप जो है यहाँ पर बनाइए फ्री में, जो अभी अवेलेबल इन पर बनाइए, आगे जाकर आप शिफ्ट कर लीजिएगा प्रीमियम पर, और तो आप जो है अच्छे मॉकअप्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारी साइट्स वगैरह भी हैं जिन पर आप टी शर्ट को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे फ्री टी शर्ट के मॉकअप वगैरह मिल जाएंगे आपको, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, उनके ऊपर लगा के भेज दीजिए क्लाइंट को। तो इस तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बना के पूरा कैसे आप बनाएंगे। तो मैं आ गया हूँ प्रीमियम अकाउंट के ऊपर, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जो है पूरा बनाना है, और कैसे आप किसी क्लाइंट को बनाकर भेजेंगे मॉकअप्स वगैरह। तो चलिए हम एक साइज चूज़ कर ले सबसे पहले। तो इसके लिए मैं एक साइज चूज़ कर लेता हूँ। तो हम देने वाले हैं अपना मॉकअप्स बनाकर एक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर बनाकर दे देते हैं अभी के लिए। मॉकअप्स आप किसी पर भी बनाकर दे सकते हैं, जरूरी नहीं है आप जो है मॉकअप किस पर बनाएंगे। हम जो एक इंस्टाग्राम की जो पोस्ट लेते हैं, या फिर आप लोगो ले सकते हैं, लोगों के ऊपर भी बनाकर दे सकते हैं मॉकअप उसको। तो चलिए हम यहाँ पर अपना लोगो अपलोड कर देते हैं। सपोज़ कीजिए हमको इसका ही मॉकअप बनाकर देना है किसी को एक को, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे और हमको देना है अपना मॉकअप टी शर्ट के ऊपर बना के। तो हम जो एक टी शर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से स्मार्ट मॉकअप्स पर जाकर। एक हुडी दे देते हैं, हुडी इस टाइप की, और इस हुडी के ऊपर हम अपना जो है लोगो डालकर देंगे। तो ये यहाँ पर लोगो आ गया है, और ये बिल्कुल सेंटर में सही से मैं इसको कस्टम नहीं करूँगा अभी, और हम इसको बड़ा कर लेते थोड़ा। तो इस तरीके से आप जो अपने लोगों को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट को। तो आपने इस तरीके से कर दिया, तो हमारा लोगो इसके अंदर आ गया इस तरीके से। अब क्या कर सकते हैं आप, इसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं ऊपर कोई अच्छा सा। तो सपोज़ कीजिए हमको कोई टेक्स्ट लिखना है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जाएंगे एड हेडिंग करेंगे और लिख देंगे ट्रेवल विद मी। इस टाइप से आप जो है कुछ अच्छा सा मॉकअप बनाकर उसको देंगे। और इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करते हैं अभी के लिए, हम चलते हैं कुछ थोड़ा सा इस टाइप का फ़ॉन्ट करते हैं जो कि यूज़ होता है इस टाइप की पोस्ट वगैरह में। ये भी अच्छा लग रहा है। तो ट्रेवल विद मी इस टाइप से आपने किसी एक अच्छी सी पोस्ट बनाई, और अपने क्लाइंट को आप जो है सेंड कर सकते हैं आप। तो आप जब भी किसी को बना कर देंगे तो इस टाइप की कुछ मॉकअप्स बना कर दे देंगे। अभी आपने एक टी शर्ट बनाया है, एक आप जो है कप के ऊपर बना देंगे इस टाइप का मॉकअप। तो एक मैंने आपको बता दिया है, या फिर आप कर सकते हैं एक फ्रेम बना सकते हैं, बीच में एक लाइन कर सकते हैं, और उसमें एक में कप दिखा सकते हैं, एक में टी शर्ट। इस तरीके से चार मॉकअप बना दीजिए आप एक ही इमेज के अंदर, और क्लाइंट को प्रोवाइड कर दीजिए। तो अगर इस टाइप से आप वर्क करके क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं ना, तो क्लाइंट आपसे खुश हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जो भी वर्क होगा ना वो आपको ही प्रोवाइड करेगा। तो आप जो इस तरह से मॉकअप बनाकर क्लाइंट को प्रोवाइड कीजिए, आपका काम जो है बहुत वैल्यूबल हो जाएगा क्लाइंट के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।